कैपिटल स्मार्ट में वक्त आ गया है, जिसका हर एंड यूजर को हर इन्वेस्टर को और हर सेल्स पार्टनर का इंतजार था वो वक्त था कैप्टल स्मार्ट सिटी के इंटरचेज की कंस्ट्रक्शन का इससे पहले मैंने स्मार्ट सिटी की रिसेंटली टू वीक्स के दौरान मैं दो वीडियोस बनाई थी स्मार्ट सिटी की और दोनों वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था कि स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज कहाँ स्टैंड करता है बट आज की वीडियो में जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो स्काई हाइर रीज़न इज़ कि इस वक्त स्मार्ट सिटी का ऑफिशियली जितने लवाजामात हैं इंटरचेंज के तमाम के तमाम मुकमल किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में मैंबर्स को खुशखबरी मिलेगी क्या आप मोटरवे के थ्रू स्लिप एंड करके स्मार्ट सिटी के अंदर मूव कर सकती हैं और इसका बहुमूव बोलता सबूत होगा कि स्मार्ट सिटी रावलपिडी की डोमेन में या पाकिस्तान के डोमेन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देने वाला प्रोजेक्ट होगा उसकी रीजन ये है कि एक तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन नंबर कैपिटल स्मार्ट सिटी जहां लोकेट करता है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्लैगशिप रोड है और स्मार्ट सिटी जो अपना मेन बुलेवेट बनाना जा रहा है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लैगशिप बुलेवेड होगा चार सौ फीट मेन बुलेवेट का जिसमें एक मेट्रो लेन भी रखी जाएगी तो आपको स्मार्ट सिटी में आने वाले दिनों में जो चीजें रिजल्ट मिलेंगी वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बींग द मेबर ऑफ स्मार्ट सिटी या बींग इन्वेस्टर ऑफ स्मार्ट सिटी के जितने रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले दिनों में मिलने जा रहे हैं इससे पहले की चंद वीडियो बनाई थी इंटरचेंज ये जो एक्सप्लेन किया था कि इंटेलिजेंस का प्रोसेस क्या होता है जो पिछले चार 5 साल का वक्त गुजरा है इसमें पहले होता ये कि के, के स्मार्ट सिटी के अंदर जितना एनओसी होता है जो आपके इनिशियल एनओसी था 7505 के का सेकंड एनओसी था 25602 सॉरी 16602 के नाल का लमसम मिलाकर तकरीबन 25000 समथिंग के का आपका एनओसी स्मार्ट सिटी का इस वक्त ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है तो स्मार्ट सिटी की तरफ से जितने لوازمات थे यानी कि लैंड प्रक्योर करके 2.5 मब्बे लैंड 100 एकड़ लैंड तकरीबन उन्होंने एनजे के नाम ट्रांसफर करवाई पहले ट्रांसफर करवाने के बाद उसकी फीस पे की जो बनती थी सिक्सटी थाउजेंड पर कनाल तो आप पच्चीस हज़ार को मल्टीप्लाई पर साठ हज़ार कर लें तो इतने पैसे स्मार्ट सिटी ने अरबों के हिसाब से पहले एन को पे किए ये वो हैं जो ऑफिशियल फीस हैं जो अंडर द टेबल काम होते हैं वो सेपरेट है क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी काम अंडर द टेबल जब तक फाइलें या पैसे से मूव ना करें नहीं होते लेकिन यानी कि इस पाकिस्तान में स्मार्ट सिटी ने अपना इंटरचेंज अप्रूवल का सारा काम मुकम्मल कर लिया है और इस वक्त जो एफ डब्ल्यू ओ की सब्सिडरी कंपनी है मोर उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुके हैं और आने वाले दिनों में मोर की मशीनरी आपको साइड पे मूव होती हुई नजर आएगी अब इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन करने का मकसद है कि ये वो उस वक्त का टाइम है कि जब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगले दो महीने या डेढ़ महीने के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना चाहें कैश कर सकते हैं मैं ये बात रिटर्न लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि इंटरचेंज एक दवा ओपन हुआ तो आपको स्मार्ट सिटी के अंदर जो आज रेट्स मिल रहे हैं इससे टू टाइम या थ्री टाइम ज्यादा रेट्स मिलेंगे पाकिस्तान की मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात करी पाकिस्तान में सबसे बड़ी रोड सिस्टम फ्लैगशिप रोड है दैट इज लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और फ्लैगशिप रोड के ऊपर जो फ्लैगशिप इंटरचेंज होगा वो होगा कैपिटल स्मार्ट सिटी का तो आप कोई भी इंडिविजुअल जो कराची में रहता है लाहौर में रहता है फैसलाबाद में रहता है या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहता है अगर उसने जिंदगी में कभी स्मार्ट सिटी कैपिटल की दारकूमत की शक्ल देखनी है इस्लामाबाद की शक्ल देखनी है तो स्मार्ट सिटी से गुजर के आना पड़ेगा तो स्मार्ट सिटी की मार्केट वैल्यू में इतना इजाफा होगा कि आप सोच नहीं सकते और सबसे बड़ी बात कि स्मार्ट सिटी जहां पे लोकेट करते हैं ना आप मोटरवे पर लोकेशन देखें तो ये एक वैली लोकेशन है यानी इस तरफ खरी पहाड़ है इस तरफ भी खरी पहाड़ है सेंटर में स्मार्ट स्मार्ट की लोकेशन है और सेंटर से मोटरवे गुजर रही है तो मोटरवे के राइट और लेफ्ट साइड पर दोनों साइड पर स्मार्ट की लोकेशन है और इससे तकरीबन साढ़े चार पाँच किलोमीटर आगे टूवर्ड्स पिंडी से अगर लाहौर जा रहे हैं तो टूवर्ड्स लाहौर राइट साइड पर डी एच की जो प्रोक्योरमेंट रैन है वो मुकम्मल हो चुकी है और उसकी फाइलें मार्केट में आ चुकी हैं तो अगर आप स्मार्ट सिटी में आज का रेट देखिए तो कनाल का रेट है बासठ लाख रुपया जो पुराना रेट था मार्केट में नया रेट पचानवे लाख रुपया है तो बासठ लाख वाली फाइलें मार्केट में आपको चौदह पंद्रह लाख प्रॉफिट मिल जाती है वो फाइलें अगर आप देखते हैं तो आपको टोटल रेट पड़ता है सेवेंटी फाइव नए रेट से तकरीबन पंद्रह बीस लाख लाख सस्ता पड़ता है आज की डेट में फाइलें उठा के रख लें आप आने वाले दिनों में दुआएं देंगे कि आपको स्मार्ट सिटी में इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि इस वक्त जो डीएचए नाइन का स्टार्टिंग रेट एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन से पौने करोड़ रुपया है तो डीए नाइन आगे आता है इससे पहले तो नहीं आता और इसने जब बैलेट होना था इसने वाली साइड बैलेट होना है मोटरवे जो साइड है जहां पर इंटरचेंज बनना है इस साइड सारे ब्लॉक्स ऑक्यूपाइड हो चुके हैं जिसमें आपका ओवरसीज ईस्ट है ओवरसीज सेंट्रल है आर्मी पाक ओवरसीज ईस्ट है आर्मी पाक ओवरसीज सेंटर है ओवरसीज प्राइम वन है ओवरसीज प्राइम भी मोटरवे के अपोजिट साइड है और गोल्फ कोर्स और बाकी जो मेन बल्ल पर चीजें हैं इस साइड जो की सारी खाली पड़ी है वहां पे अभी तक कोई नक्शा नहीं आया तो अगर आपके पास नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हैं वो प्रोक्योर करके आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवाते हैं इंस्टॉलमेंट टाइम पे पे करते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने के चांसेस हैं पाकिस्तान में ऐसे रियल स्टेट में मौके जो बहुत कम आते हैं यानी कि ऐसे जिस तरह की ऑप्शन आपके पास बनी है ऐसे ऑप्शन जो है ना वो वस इन अलू मोनी बनते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जो है ना डेली बेस पर मल्टीप्लाई होते नजर आए मुझे याद पड़ता है लाहौर मार्ट्री की जब वीडियो बनाई थी शुरू में पहली वीडियो तो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि लाहौर्स मार्टिट्री का जो लोकेशन है ना वो आपकी पाकिस्तान के तीन प्रीमियम रोड की लोकेशन है लाहौर ईस्टर्न बाईपास ग्रैंड ट्रंक रोड और लाहौर सियालकोट मोटरवे तब लोगों ने मेरी ये जो सेल्स पिच थी बाय नहीं की थी लोगों ने कहा था नहीं नहीं इतना ऑन चढ़ गया कमर्शल पे चार मल्ला पे कौन पाँच लाख रुपया दे कौन आठ लाख आठ लाख पे पाँच छः लाख रुपये ऑन दे ये रेट गिरेगा हम लेवल पे आएगा तब ले लेंगे माइनस में आ जाएगा जैसे मार्टिट्री में पहले हुआ था कैपिटल में हुआ था आज वही जो प्रॉफिट है मार्केट का साठ सत्तर लाख अस्सी लाख क्रॉस कर गया है और लाहौर में आप चार माला कमर्शियल देखते हैं चालीस पचास लाख क्रॉस कर गया है वो रीजन ये कि उसकी लोकेशन ऐसी बन गई थी अभी इस वक्त तो कैपिटल स्मार्ट लॉकड है यानी कि अगर आपने सेंटर इस्लाबाद से ट्रेवल करना हो कैपिटल स्मार्टी की साइड पर डाउन टाउन जीरो पॉइंट से ट्रैवल करना हो तो मिनिमम टाइम जो आपको रिक्वायर्ड है दैट इज वन एंड हाफ आवर नाइनटी मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड है पहले कश्मीर हाईवे फिर कश्मीर हाईवे से तिरपन किलोमीटर दूर के चकर्र इंटरचेंज चकर इंटरचेंज से फिर आगे जाकर मूव करते हैं तो वापस मंडी की तरफ बाईस तेईस किलोमीटर का सफर तो एक लंबा डिस्टेंस बनता है इमेजिन करें यह डिस्टेंस एटी 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 किलोमीटर से कट होकर तीस से पैंतीस किलोमीटर पर आ जाए तो उस जगह पे एक्सेस कितनी आसान होगी ये वही एग्जांपल है जैसे इस्लाम हाईवे सिग्नल फ्री हुई थी तो गुलबाग में सवा करोड़ का प्लॉट जो है वो साढ़े चार करोड़ पे पहुंच गया था और जब अपना अंडरपास बना तो वही प्लॉट आज नौ करोड़ का प्लॉट है और ये टाइम फ्रेम कितना लगा दो

दिन को दुआएं देंगे कि आपको स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट का मौका मिला इतने ज्यादा इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास होगा तो ये मेरी एक सजेशन थी मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने पास्ट में ये चीज़ें होते देखी हैं और वो छोटी सोसाइटीज़ में छोटे रोड्स पर देखी हैं ये तो पाकिस्तान का फ्लैगशिप रोड और पाकिस्तान के फ्लैगशिप रोड की फ्लैगशिप सोसाइटी और उसके अंदर अपना फ्लैगशिप रोड यानी चार सौ का रोड है और तीन सौ की मोटरवे है तो इमेजिन करें यहाँ पर चीजें कहाँ जाएंगी और आने वाले दिनों में जब जेवी होंगे बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट के हाई हाईरेस्ट बिल्डिंग के तो शायद आपने पाकिस्तान में ऐसी बिल्डिंग्स भी ना देखी हूँ जो स्मार्ट सिटी के अंदर बनने जा रही हैं तो ये चीज़ें आने वाले बताएगा कि स्मार्ट सिटी स्टैंड करता है आप कैपिटल स्मार्ट लाहौर स्मार्ट बुकिंग है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान कॉम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक लिए हाफिज़